हेलो एंड वेलकम टू द क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एसटी नंबर 33 और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेस्ट को एंजॉय किया होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोलता है। सबसे पहले क्षेत्र वाले सवाल का पोस्टमार्टम कर लिया जाए। कहा गया 1156 रुपयों को दो लोगों में किस तरह विभाजित करने हैं 13:21 में, ताकि पूछा जा रहा है कि बताओ जो पर्सन जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको कितने मिलेंगे। तो हमें भाई इन दोनों को जोड़ लेना है। तो कितना हो गया भाई 20, 10, 30 और कितना हो गया 34। 34 बराबर 1156। हमें 1156 के 34 हिस्से करने हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि देखो भाई दो से दोनों कट जाएंगे तो दो से पहले ही काट लो आप। तो 17 × 34 कर दिया, इसका गुणा करना है। इसको 2 × 5 = 10 करेंगे, कैरी वन चला गया, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखें तो 17 से करके देखते हैं तो 17 × 51 हो गया, बचा कितना 6, 17 × 68। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 34। और अगर याद होगा तो 34 का स्क्वायर होता है 1156। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ज्यादा किसको मिल रहा है तो 21 की गुणा कर देनी है 34, क्योंकि इसे ही ज्यादा मिल रहा है। तो 34 का 2 गुना कितना होता है भाई 68, 680 + 34, 704, 714 बेटा, 700 + 14 कितना हो गया 714। कहाँ लिखा है 714, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड पे चलते हैं। कहा गया कि 20 men कैन फिनिश अ जॉब इन 10 days while 12 women कैन डू इट इन 10 days। तो मान लो पुरुषों की क्षमता M है और महिलाओं की एक दिन की क्षमता W है। तो 20 पुरुष आएंगे अपनी क्षमता से 10 दिनों में काम को समाप्त करेंगे, जबकि 12 महिलाएं अपनी क्षमता से उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करेंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों टोटल काम थे इसलिए बराबर है। 4 × 5 = 4 / 3 अनुपात को हम देख लेते हैं, 3 और 5 हो गए। कहा गया 15 men and 6 women कंप्लीट दैट वर्क, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब कहा गया कि देखो भाई अगर 15 पुरुष और 6 महिलाएं काम करें तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहली चीज कुल काम कितना है, किसी एक में वैल्यू रख दो, चलो इसमें रख देते हैं। तो टोटल वर्क निकलेगा 12 × 5 × 10, तो ये हो गया 600। अब अगर मैं 15 पुरुष और 6 महिलाओं से काम कराना है तो M की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से इस बार हमारे पास जो एफिशिएंसी आई है उसमें हम देख सकते हैं कि वुमेन की एफिशिएंसी ज्यादा है। हालांकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन में होता नहीं है, जेंडर बायस क्वेश्चन बनाते थे, अब पहली बार मुझे दिखा, ये बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चन जेंडर बायस नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे 15 × 3 हो गया 45 और 6 × 5 हो गया 30, 75 हो गया। 75 को इससे भाग करोगे 8 बार में पूरा का पूरा काट देगा, तो कितना नंबर ऑफ डेज हो गया 8 हो गया, जो कि एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया एक बार बड़े आराम से पढ़ेंगे कि दीक्षा गॉट 58% मार्क्स इन एग्जामिनेशन विद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 450, शी गॉट हाउ मच मार्क्स। तो भाई 450 का 58% कह रहा है। सभी को पता है कि इसका अगर 50% निकालोगे तो 450 का आधा 225 हो जाएगा। ठीक है, 8% और निकालना है इसका। इसका 1% अगर आपसे पूछू तो आप कहोगे 4.5। 8% के लिए 8 से गुणा, इसकी भी 8 से गुणा, 8 × 32 + 4 = 36 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 का 5 से गुणा 40 होता है, यानी 4 बनेगा। तो 8 × 32 = 4 = 36 जोड़ दीजिए इसमें, 3 × 2 = 5, 6 × 5 = 11, 261, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 5 की पावर 10, 10 की पावर 10, 15 की पावर 10 या 20 की पावर 10। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है,
तो देख के पता चल रहा है भाई, जितनी बड़ी वैल्यू पावर तो सबकी सेम है, तो जितनी बड़ी वैल्यू, अब 20 की पावर 10 मतलब 20 को आपस में 10 बार गुणा, 15 की पावर 10 मतलब 15 को आपस में 10 बार गुणा, 10 की पावर 10 मतलब 10 को आपस में 10 बार गुणा, 5 की पावर 10 मतलब 5 को आपस में 5 बार गुणा। तो इसमें तो देख के आंसर लगने वाला था कि भाई 20 की पावर 10 तो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहा गया, इन अ क्लास देयर वर 18 बॉयज एंड सम गर्ल्स, इन अ क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज वर 12 व्हाइल दैट ऑफ गर्ल वाज 40, इफ द टोटल एवरेज मार्क्स वाज 13.1 देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। समझिए, देखिए, इन अ क्लास देयर आर 18 बॉयज, बॉयज की संख्या 18 है, गर्ल्स की संख्या डिफाइन ही नहीं है। कहानी कुछ ऐसी ही कि बॉयज एंड गर्ल्स का मिला करके जो एवरेज होगा ना, वो कह दिया गया कि भाई 13.1 होगा। यहाँ पे एक बात और कही गई कि देखो, जो बॉयज का एवरेज है, इन अ क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 12 और जबकि गर्ल्स के कितने हैं 14। अब एक बात समझ में आती है, अगर 13.1 बनाना है तो ये बात समझ लो कि 13.1 से कितना कम है, तो ये दिखाई दे रहा है कि मुझे भाई ये 1.1 कम है, ये 13.1 से कितना ज्यादा है, तो ये 0.9 ज्यादा है। अब यहां 18 लोग हैं तो इसकी 18 से गुणा कर दिया जाएगा, जब 18 से आप गुणा करेंगे तो बेसिकली ये तो 18 हो गया, ये हो गया -18.18 है ना, क्योंकि 0.1 की अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी 18 प्लस 1.8, तो 18 की 1 से गुणा की तो कितना हो गया, 18 हो गया, 0.1 की 18 से गुणा की तो 1.8 हो गया, यानी बेसिकली कितना हो गया 19.8। अब मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ x है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 19.8 के बराबर हो जाए, बस इतना ही करना है, 0.9x बराबर 19.8, पॉइंट हट गया, 9 to 18, x की वैल्यू कितनी होगी 22। अब ये दर्शाता है देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। अब एक चीज समझना, क्लास में कितने बच्चे ये पूछा गया, गर्ल्स पूछा जाता तो गर्ल्स आपने निकाल ली, बस बॉयस आपको दे रखे थे कितने 18, टोटल मिलाकर कितने हो गए 20, 30, 40, 40 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर पी। तो आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं और ये सबसे अच्छा और सटीक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रथिन एंड ब्रिटिन, ठीक है, कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट रथिन हैज टू लीव द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ वर्क एंड, एज अ रिजल्ट इट टुक अ टोटल 15 डेज टू फिनिश द वर्क, फिर कहा गया ब्रिटिन वर्क्स अलोन देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू फिनिश दिस वर्क। तो देखिए सवाल में क्या कहा गया कि रथिन ब्रिटिन काम करते हैं, ठीक है, और अगर साथ में करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी आर मान लो, इसकी बी मान लो, अगर साथ में काम करते हैं तो काम को 12 दिन में करते हैं, यानी ये हो गया टोटल वर्क, है ना, ये हो गया कुल कार्य। अब क्या कहा गया कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट रथिन हैज टू लीव वर्क, अब इन्होंने साथ में काम करना शुरू किया तो ठीक है भाई साथ में काम करना शुरू करेंगे, कितने दिन तक करेंगे ये अभी नहीं पता है, तो मैंने कहा कि भाई देखो डी डेज तक काम करते हैं, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ तो आगे काम और चलता रहेगा। फिर कहा गया कि देखो दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट रथिन हैज टू लीव द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ द वर्क एंड, तो अब रथिन ने काम छोड़ दिया यानी ब्रिटिन काम करेगा और 5 दिन पहले छोड़ के वो गया, तो यानी इसको 5 दिन तक काम करना पड़ेगा, और ये काम करेगा तो काम कंप्लीट कर लेगा कौन सा, आर प्लस बी के 12 दिनों का काम। तो भाई आप एक काम करो, अब क्या करो, बहुत सीधा सा फंडा है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक, या फिर इसको उधर ले करके ले आते हैं, तो यहां क्या हुआ कि b इंटू 5 इज इक्वल टू आर प्लस बी बाहर ले लो, तो ये 12 माइनस डी हो जाएगा, 12 माइनस डी। अब यहां पे देखो एज अ रिजल्ट इट टू का टोटल 15 डेज टू फिनिश द वर्क,
अब नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, तो ये तो बड़ा सीधा सा फंडा हो जाता है कि भाई इसमें हमें डी की वैल्यू गिवन है क्यों। अगर कुल 15 दिन लगते हैं इस तरीके से देखो, एज अ रिजल्ट इट took टोटल 15 डेज टू फिनिश द वर्क, तो 5 दिन तो उसने अकेले काम किया, इन दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया होगा, इन दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, यानी डी की वैल्यू 10 हो गई। तो हमने यहां देखा कि बी इंटू 5 इज इक्वल टू, अगर डी की जगह 10 रखोगे तो आर प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 2। तो इसको इधर ले आओ, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो एक बात समझ में आ गई कि देखो बी जो करता है काम वो 2, आर जो करता है वो कितना 3, सभी मिला करके क्या होंगे 5 होंगे। अब आपको देखना है ये अगर मिला करके 5 काम करते हैं तो टोटल वर्क यहां से आ जाएगा और कितना, 12 पंचे 60 हो जाएगा। काम किससे कराना है, अगर ब्रिटेन अकेले काम करे तो कितने दिन में करेगा, तो 60 / 2 यानी 30 डेज में काम करेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 12, यानी तृतीय अनुपातित को मुझे बताना इसका क्या होगा। तो हमको पता है कि क्या होता है कि इस तरीके से हम ये पहला अनुपात, दूसरा और ये तीसरा, तो इसको ऐसे गुणा होगी और ये ऐसे गुणा होगा, तो यानी AC बराबर बी स्क्वायर, तो हमें सी निकालना है, सी मतलब बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, ये आपका तृतीय अनुपात हो गया। तो तृतीय अनुपात में हमारा ये जो है ये ए है और ये बी है, तो ऊपर हमने लिखा 12 × 12 / 9, तो 3 × 9 = 9, 3 × 12 = 12, यानी कितना हो गया 16, और 16 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है, 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डाइज इन एपिडेमिक, मतलब किसी महामारी में किसी टाउन की 5% जनसंख्या समाप्त हो जाती है, एंड 8% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन पैनिक्ड एंड लेफ्ट द टाउन, बाकी 8% लोग पैनिक होकर के टाउन छोड़ देते हैं। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज स्टिल, अगर अभी भी टाउन की पॉपुलेशन 88,274 है, तो बताओ कि शुरू में क्या जनसंख्या रही होगी। तो देखो क्या है कि मान लो शुरू में कुछ भी ऐसे, शुरू में जनसंख्या अगर 100x थी, 5% लोग मर गए तो सिर्फ इसके 95% बचे, 8% लोग छोड़ के चले गए तो ये जो जनसंख्या थी इसमें से सिर्फ 92% लोग बचेंगे, और उसी की वैल्यू कितनी की रखी है, 88,274। अब अगर आप इसे 100x ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, 95% का मतलब 19/20, और ये हो जाएगा 23/25। ठीक है, 23/25, और ये बराबर हो जाएगा 88,274 के, जो कट जाए वो काट दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने 100x निकालना या आप x रख लो कोई दिक्कत नहीं, 100x को रखो आप x रख लो ज्यादा बेहतर रहेगा, अननेसेसरली कट करोगे आप। अब देखोगे तो ये वैल्यू कटेगी, ठीक है, देखोगे तो ये वैल्यू कटेगी, अब कैसे कटेगी जरूर देखते हैं। चलो मैं इसे अगर मान लो कैंसिल आउट करना चाहता हूँ 19 × 23 से, एक बार देख लेते 19 × 23 करके क्या वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 23 का गुणा 20 - 1 मतलब 230, मतलब इसको कह सकते हैं इस तरीके से, तो ये 23 × 46 = 460, माइनस अगर आप 23 करोगे तो 447 हो जाएगा, 37 हो जाएगा 437। ठीक, अब 437 से जरा इसको काट करके देखते हैं, 437 × 2 = 874, कितना बच जाएगा उधर से, 628, फिर हो गया 874, तो कितनी बार में चला गया, 2 times 22 times में। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, 25 × 50, 22 × 500, सो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 × 2 = 10, 22 का 2 गुना अगर करते हैं यानी 22 का 5 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 110, और पीछे कितने 0,
2-0 ये ठीक है, कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ जानते कहाँ है, वो है बच्चे ये गड़बड़, जीरो नहीं लगाया ना हम लोगों ने, है ना, और जीरो नहीं लगाओगे तो मामला गड़बड़ हो ही जाएगा क्योंकि पूरा पूरा कट गया था ना। सो दिस इज 202। अब 202 की 5 से गुणा करोगे तो भाई ये 200 की 5 से गुणा करते तो 1000 हो जाता, 5 की 2 से गुणा हुई तो 10 हो गया, तो 1010 और पीछे 20 कहाँ लिखा हुआ है, 1010 पीछे 20 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अब इस 84 वाले प्रश्न में फिर से एक बार देखेंगे आसान है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी बताओ इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसको आप सीधा सीधा पहले चेक करो क्या इसके परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए आपके पास जो नंबर होंगे जो डिजिट्स होंगे उनके दो दो पेयर बनने चाहिए। तो चलिए पहले इसको हटा के देखते हैं, काट करके इससे अलग, जैसे मैंने 10 कर लिया तो 2 × 5 = 10 अलग हो गया, और 405 में से मैं 5 से भाग कर दिया तो 5 × 8 = 40 हो गया, और 5 × 1 = 5 हो गया। इसको और लिख सकते हैं 5 × 3 × 3 × 3 × 3 × 2 × 5, मतलब सबके पेयर देखो बन रहे हैं, इसका पेयर बन गया, सिर्फ दो नहीं है तो 2 से गुणा कर दो, अगर इसके 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8100, और 8100 का जब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 90, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आता है हमें ऐसे ही पिक करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग अ फ्रैक्शन टू 17.17/3 मेक 4, व्हाट इज द अबव फ्रैक्शन। कहा गया एडिंग अ फ्रैक्शन टू 17/3, ठीक है, तो क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन है, एडिंग अ फ्रैक्शन टू 17/3, एक भिन्न को 17/13 में जोड़ने पर 4 आता है, तो भैया हम कह रहे हैं ठीक है जोड़ लो, तो 4 आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए, ये कैसे संभव है, कब संभव है, ये तो तभी संभव है ना भाई, ये तो तभी संभव है जब ऐसा कुछ होगा, तो 4 × 3 = 12, ठीक है, और इसमें जो निकालोगे तो बचेगा 5/3, तो ये नेगेटिव में माइनस का 5/3, इसको और क्या लिख सकते हैं 3 × 1 = 3 -1 2/3 जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 86 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन इज 320 ग्राम एंड इन साल्ट इज 32 ग्राम, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि देखो द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन इज 32 ग्राम एंड इन साल्ट इज 32 ग्राम, हिंदी में पढ़ते हैं एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो गया 352, और उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन पूछी और वो कितनी है 32 है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा क्या हो जाएगा 9.09%, तो बड़ा आसान था। चलो नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% फॉर 1.5 ईयर ऑन अ सेम सम और अ सम इज ₹360, यानी साधारण ब्याज 8% की दर से 1.5 सालों में ₹360 है, तो आपसे कहा जा रहा है कि देखो भाई दोगुने समय के साथ उतना ही मूलधन पे उसी दर पे क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो ठीक है 1 साल में 8%, 1.5 साल में भाई 12%, 12% = 360, 12 × 3 = 36, 1 × 3 तो 100%, यानी प्रिंसिपल निकालाया मूलधन और वो कितना हो गया ₹3000। अब इस पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल की बात करेंगे, समय दोगुना, तो 8%, 8 × 3 = 24, अगले साल भी 240, इसका 8%, तो 24 का 8 से गुणा कर देंगे, 24 × 6 = 96, और 96 का दोगुना करेंगे तो 192, 19.2, फिर 240, 19.2, 19.2, और इसका भी 8%, तो 192 × 8 कर देंगे, 200 का 8 से गुणा करते तो 1600 हो जाता,
और 8 28 64 उसमें से घटा दो, तो 64 जैसे घटाएंगे 15 36 हो जाएगा। डेसिमल जो है हमारा 4 अंकों के पहले लगेगा, यहाँ 1 अंक से पहले था ही, है ना, 3 अंकों के पहले, एक यहाँ था और परसेंटेज वाला दो, तो 1.536। अब जरा हम ऐड कर लेते हैं, तो जहाँ पे एडिशन में ये देखो, जहाँ पे भी पीछे 6 आ रहा होगा, आंसर होगा भाई, आंसर होगा वही, है ना, क्योंकि अगर हम 24 की गुणा कर लेते हैं 8 से, 8 3 24% होता है, तो 24% का मतलब हो गया। अब इसको पूरा पूरा जोड़ लेते हैं, देखते हैं किसके करीब पहुंच रहे हैं। 24 3 72 720 से ही हो गया, ठीक है भाई, डेसिमल में तो आएगा, ये तो खत्म हो गया, इनको हटा दो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही है, हमने क्या सिर्फ टाइम को डबल किया, दर के हिसाब से समय दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 19 का 3 से गुणा कर दिया, ये 38.6 हो गया, ठीक है, 38.6 प्लस 1.536 00, तो ये हो जाता 6 3 6 5 11 कैरी 1, ठीक है, 10 कैरी 1 4, तो ये हो गया 40.136, तो ये हो गया 760.13, 760.13, कुछ गड़बड़ जोड़ लिया क्या, 19 का तियां भाई, 19 तियां कहाँ, ये भी तो जोड़ोगे ना इसमें, फिर वही बात कर ली भाई, 19.2 यानी 19 तो जोड़ना बाकी रह गया ना, तो 9 7 7, तो 779 कहाँ लिखा है भाई, 779.13 हमारे पास जो लिखा हो, ये करेक्ट आंसर है। बाकी कोई भी अप्रोच आप यहाँ लगाओगे थोड़ा सा लेंदी ही जाएगा, इतना करना ही पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द फ्रैक्शन 5.9, जो इसके बराबर नहीं है। अब देखो ये 5 5 5 9, ठीक है, 5 यानी 8 5 40, 8 9 72। अब आप यहाँ देख लो, 80 144 है, तो आप इसको, और 105 198 है, तो ये देखो ये वैल्यू जो है ये वैसे भी 9 है और ये 8 है, तो भाई मैं अगर इसको काटना भी चाहूँ, ठीक है, तो काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट लो 72 हो गया, 2 से काट लिया तो 40 हो गया, फिर 40 और 72 तो ये इसका डबल ही लिखा हुआ है, मामला इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बाकी सब बराबर आ रहे थे। What is the unit digit of the sum of the first 151 whole numbers? Whole number में 0 भी आता है, फिर ये डैश डैश करते हुए जाएगा और कहाँ पे खत्म हो जाएगा, 150। इन सभी का सम करना है, इन सभी का सम करना है, तो अब इन सभी का सम करना है, तो आप क्या लगा देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके लिए सम क्या होता है, सम होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 into नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगा, जब 0 से शुरू करोगे, शुरू के 151 होल नंबर कहे ना, तो भाई क्या है, 0 से शुरू करके 150 पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होती है, तो पदों की संख्या तो 151 ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 150 प्लस 0 भाई 150 रहा, 150 भागे 2 गुणे 151, अब ये कितना हो गया, 75 गुणे 151, 5 की 1 से गुणा करोगे, इकाई का 5 ही आएगा, जो कि नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, अब डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। डीआई में क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्या पूछा गया है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। गिवन बार ग्राफ शो द टोटल एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ कंपनी इन क्रोर्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो गिवन ग्राफ शो टोटल एक्सपेंडिचर एंड द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द कंपनी इन क्रोर्स,
तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ और ग्रॉस रिसिप्ट कितना पाया ये बता रखा उसमें। अब यहां पे ईयर दे रखे हैं देखो, और ये किस में दे रखे, ये वैल्यूज करोड़ में दे रखी हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 1998 एंड 1999। तो 1998 और 1999 यहां है सबसे एंड में। तो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 1998-1999 एक्सीड दैट इन 1994 और 1995 बाय। कितना ज्यादा हो जाता है 1994 1995 से एक्सपेंडिचर। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर यहां पे कितना था, वो ये था 4,800, और यहां कितना हो गया एक्सपेंडिचर, यहां हो गया हमारे पास एक्सपेंडिचर थोड़ा सा क्लियरिटी कम है, एक मिनट ऐसे अनुमान लगा लेते हैं 8,500 होना चाहिए वैसे यहाँ, है ना, ये क्या है 8,500 है कि नहीं, ये होना चाहिए 8,500, ठीक है लगभग लगभग 8,500। तो कितना रुपए ज्यादा दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अंतर कर लेंगे भाई, दो इधर है 37 दिखाई दे रहा है 3,700, ठीक है बात खत्म हो गई ऑप्शन नंबर सी। अगला, इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो जो प्रॉफिट है वो क्या है ग्रॉस रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, हमारे पास कितना आया और उसमें से हमने कितना खर्चा किया वो निकाल देते हैं, जो बचे का वो हमारा लाभ होगा। तो कहते हैं देन इन 1997-1998 7 और 8 में द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट इज द प्रॉफिट मेड, ठीक है द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट इज द प्रॉफिट मेड। तो इन्होंने कहा कि यदि लाभ इतना है, उसके बाद कहा कि तो 1997-98 में सकल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, ठीक है भाई। तो एक बात समझो 1997-1998 पे आ जाओ यहाँ पे, तो ये है हमारा 8,200 और दूसरा है 3,700। तो हमारा जो खर्चा हुआ 3,700 है, हम पाए कितना है 8,200, ये हमें मिला है ग्रॉस रिसिप्ट। तो ग्रॉस रिसिप्ट में से 3,700 अगर आप निकाल दोगे तो हमारे पास इधर कितना बचेगा 3,500, तो 500 में मिला है। अब हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो मेरी जो लागत है ना वो तो इतना ही है ना, ये मेरी लागत है, प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको 77 से इसे काटना है। तो हमको पता है कि 7×7=49 होता है, तो 7% से तो थोड़ा कम हो गया ना, तो वो कहाँ चला जाएगा 6.1% क्योंकि 7×42 420 प्लस 42 462, तो यही हो गया ना, तो लगभग 6.1%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रोडक्ट ग्रॉस रिसिप्ट इन 1996 एज कंपेयर टू 94-95। तो ग्रॉस रिसिप्ट में देखो 1996-7, तो 6-7 में ग्रॉस रिसिप्ट हमारे पास कितनी, ये हमारी 7,200, और 1994 में कितनी है 5,000, ठीक है। तो कितना बढ़ी है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2,200 का इंक्रीमेंट है, तो 5×10 44% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी से पकड़ पा रहे होंगे चीजों को। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% व्हाट शुड हैव बीन द ग्रॉस रिसिप्ट इन क्रोर्स इन 1995-96 इफ द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो ग्रॉस रिसिप्ट कितना रखना चाहिए किस ईयर में, 1995-1996 में। 95-96 में देखो हमारे पास जो हमारा ग्रॉस है वो कितना है 6,100 है, और ये हमारा कितना है 5,500 है। अब इन्होंने कहा कि देखो आप टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखो, एक्सपेंडिचर हमारा इतना है, यहाँ अंतर कितना है भाई देखो 600 का अंतर है। तो अगर 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए हमें, तो इसका 20% तो होता भाई 1,100, है ना, 20% कितना होता है 1,100 भाई, इसका 20% ही तो प्रॉफिट चाहिए, इसका 20% मतलब 1,100,
अभी अपने पास 600 ही है, तो कितना और जोड़ देना पड़ेगा, 500। मतलब हमें कितना करना पड़ेगा, 500 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 6600। जब 6600 होएगा तभी तो 1100 का फैसला अंतर आएगा, फासला। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप ये एसटी का जो सोल्यूशन है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसी वजह से बड़े आराम और स्मूथ तरीके से बताया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मुलाकात करेंगे नए एसटी के सोल्यूशन के साथ। आई होप आप लोगों ने सेशन में जो कुछ पढ़ा है वो क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।